बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कलर थेरेपी में स्किन प्रॉब्लम के इलाज पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो आपकी सभी तरह की जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, या एक्जिमा या सोरायसिस हो जाता है, उसमें कलर थेरेपी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो का विषय ही है। दोस्तों, रंग चिकित्सा में जो स्किन है वो आपकी राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पर आती है। इसमें अगर स्किन प्रॉब्लम सिर्फ आपके सिर पर है, जैसे बहुत से लोगों को सोरायसिस होता है और सिर के टॉप पर प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं और वो सिर्फ चेहरे पर ही होते हैं, ऐसे में आप राइट स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट को यूज करेंगे। बहुत से लोगों को चेहरे पर रिंकल्स हो जाते हैं या ब्लेमिशेस हो जाते हैं, ऐसे में भी इलाज राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पे होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्किन की गर्दन से नीचे बॉडी पर है तो आपको मिडिल जॉइंट लेना पड़ेगा। और कई लोगों को प्रॉब्लम स्किन की लेग्स पर होती है, खासकर बहुत सारे लोगों को एक्जिमा पैरों पर ही होता है, तो वैसे आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के लोअर जॉइंट पर इलाज करेंगे। अब बात आती है अगर पूरी की पूरी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम, मतलब जैसे सोरायसिस हो गया, सिर पर भी है या एक्जिमा हो गया, गर्दन के पीछे भी है, हाथों की उंगलियों में भी है, पैरों में भी है, तब क्या करें? तब राइट स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पर आप इलाज करेंगे। तो चलिए मैं अभी बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी के चेहरे पे ब्लेमिशेस हो रहे हैं, यहाँ एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वॉयलेट कलर लेना है और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर, मैं जिस तरह लगा के दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर इस तरह से वॉयलेट कलर लगा देंगे, पूरा राइट स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर वॉयलेट कलर लगा देंगे। इसके साथ में क्या करना है, इसके साथ में दोस्तों हमें अपने ब्लड को करना है प्यूरीफाई। ब्लड और प्लाज्मा हमारी दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पर आता है, उसके लिए हमें लेना होता है ब्लैक कलर। अब देखिए ब्लैक कलर से करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे फ्रंट साइड पे ऐसे एक ब्लैक डॉट लगाना है सेंटर में, सेम इसी तरह से लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की मिडिल जॉइंट पर बैक साइड में भी आप ब्लैक डॉट लगाएंगे, सेम इसी तरह से राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पर फ्रंट साइड एंड बैक साइड आप लगाएंगे ब्लैक डॉट इस तरह से। तो दोस्तों, एक्ने हो, पिंपल्स हो या सिर के टॉप पे सोरायसिस हो, राइट स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पे वॉयलेट कलर और दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड ब्लैक कलर लगाना है। अब बात आती है लगाना कितने टाइम के लिए है, तो रोज 4 घंटे आप इस रंग को लगाएंगे। कितने दिन लगाना है, एक्ने पिंपल्स में मैंने देखा है 3 से 4 हफ्ते में आराम आ जाता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर पे सोरायसिस की हो तो 3 से 6 महीने भी लगातार आपको इलाज करना पड़ सकता है। लेकिन 3 से 4 हफ्ते में इवन सोरायसिस क्यों ना हो, उसमें भी आपको आराम दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी रंग चिकित्सा के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके आप कलर थेरेपी की इस पूरी ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज घर बैठे रंगों के माध्यम से कर सकते हैं। अगली वीडियो का विषय क्या हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जगमोहन सचदेवा आज इतनी जानकारी के साथ आप सबसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।